हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटा रेसिपी जिसको हम दही पापड़ी चाट के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है वो देख लेते हैं। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है मैदा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है। इसमें आप आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे से बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ एक कटोरा मैदा लिया है और थोड़ा सा नमक लिया है स्वाद अनुसार, और इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन मिला लूँगी। अजवाइन देने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पापड़ी का। तो मैं थोड़ा सा अजवाइन जो है हाथ में इसको क्रश करके मैं इसमें दे दूँगी। ये देखिए मैंने अजवाइन दे दिया है, और अजवाइन देने के बाद मैं इसमें तेल दूंगी, जो कि है रिफाइंड ऑयल। आप कोई सा भी वाइट रिफाइंड ऑयल दे सकते हैं। तो वाइट रिफाइंड ऑयल जो है हमको ज़्यादा नहीं देना है बिल्कुल। मैं एक छोटा जो कटोरा है उससे उसका एकदम हाफ से भी थ्री क्वार्टर मैं यहाँ पे ऑयल दूंगी। देखिए आप, बहुत ही कम ऑयल है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका मेजरमेंट कितना होगा। ये देखिए, ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना आपको कटोरे में, ये जो बॉर्डर है मैं उंगली लगा रही हूँ, बस इतना ही हमको ऑयल इसमें देना है। हमको ये पूरी नहीं बनाना है, हमको ये पापड़ी बनाना है, इसीलिए हमको इसको सॉफ्ट नहीं बनाना है, हमको इसको क्रिस्पी बनाना है। इसीलिए ये थोड़ा सा ऑयल ही काम करेगा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमको इसको आटे की तरह नहीं गूंदना है, हमको बस जोड़ते जाना है, और पानी की सहायता से हम ये जो मैदा है इसको जोड़ते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं पानी डाल के इसको किस तरह से। ये देखिए, ये मिक्स कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी, और पानी की सहायता से मैं इसको अच्छी तरह से गूंदूँगी। इसको हमको आटे की तरह नहीं लगाना है, बस इसको जोड़ते जाना है, ताकि ये पापड़ी जो है हमारा अच्छी तरह से हम इसको बेल सकें। बस हमको ये मैदा जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसी तरह से जोड़ते जाना है। मैं आपको दिखा रही हूँ फाइनली किस तरह हम इसको जोड़ के एक बॉल बना रहे हैं। बॉल बना के रख देंगे और 15 मिनट तक इसको हम रेस्ट करने देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए, और जब हम इसका पापड़ी का लोइया जब हम काटेंगे, जब हम इसको बेलेंगे तो ये अच्छी तरह से बेले। तो हमको ये आटा या जो पराठे के लिए हम लोग मैदा लगाते हैं वैसे नहीं हमको गूंदना है इसको। इसको बस रफली हमको जोड़ना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। हम लोग जब पहली बार आटा जब हम लोग गूंदते हैं, पानी दे देकर पहले उसको जोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम मसलते हैं उसको अच्छी तरह से, हाथों की सहायता से ताकत देकर मसलते हैं, ताकि बहुत अच्छी तरह से गूंदे और अच्छी तरह से रोटी जो है हमारी फूले। तो उस तरह से हमको नहीं गूंदना है, बस जोड़ते जाना है। बस पानी छिड़क छिड़क के मैं इसको जोड़ती जाऊँगी। इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है हमको, और ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है। मतलब ऐसा बनाना है कि ये अच्छी तरह से इसका जो पापड़ी है वो बने। तो ये देखिए, मैं सारा जो सूखा मैदा है उसको भी लेके मैं इसमें डाल के फिर से इसको मैं अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। ये देखिए, बस इस तरह से एक बड़ा सा बॉल जो है मैं जोड़ जोड़ के बना ली हूँ, एक गोला बना ली हूँ। इसी तरह से हमको जोड़ के बस एक गोला बनाना है, और देखिए ये इस तरह से ही गूंदना है हमको। बिल्कुल इसको मैंने फाइन नहीं गूंदा है, आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेचेबल हुआ है। ये देखिए, ना ही पतला होगा और ना ही मोटा, इस तरह से ही बिल्कुल स्ट्रेचेबल होना चाहिए आपका भी। और इसको मैं अभी 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। 15 मिनट के बाद मैं इसको निकाल के इसका छोटे छोटे लोइया काटकर मैं इसको पापड़ी के लिए बेलूँगी, और उसको तलने के लिए रेडी करूँगी। तो बस ये हो चुका है मेरा मैदा लगाना, अब मैं इसको रख दे रही हूँ। 15 मिनट ढक के रख दूँगी। तो देखिए फाइनली ये मेरा जो मैदा है, ये 15 मिनट के बाद ये दिखने में कुछ ऐसा हुआ है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। और अब मैं इसका छोटा छोटा जो लोइया है ये काट लूँगी बेलने के लिए। तो पहले मैं बड़ा बड़ा करके काट ले रही हूँ लोइया, फिर इसके दो और छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसको छोटा छोटा जो है लोइया मैं शेप में कर लूँगी, और इसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी। तो इसी तरह से सारे जो लोइया हैं मैं काट काट के रेडी कर ले रही हूँ, और अच्छी तरह से इसको मैं शेप दे दूँगी गोल गोल करके। पहले एक बैच में रेडी कर लूँगी इस तरह से। तो देखिए ये मेरे जो बैच है रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसका गोल गोल शेप करके सब रख दूँगी, और फिर उसका फिर से छोटे छोटे दो और मैं
शेप कर लूँगी। अगर आपको ये थोड़ी परेशानी वाली काम लग रही है तो आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े रोटी बेलते हैं, आप एक बड़ा सा मैदा का डो बना कर आप एक बड़ा सा रोटी के जैसे शेप कर दीजिए और फिर एक कटर की सहायता से या छोटे कटोरे की सहायता से आप उसको काट काट के आप लोइयां बना सकते हैं। ये भी बहुत आसानी और बहुत जल्दी जल्दी बन जाती हैं। तो मेरे पास अभी जो ऑप्शन है वो यही है कि मैं छोटे छोटे लोइयां करके आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए कर रही हूँ। तो ये छोटे छोटे मैं और भी लोइयां मैं तोड़ तोड़ के कर ले रही हूँ। तो ये देखिए सारे जो लोइयां हैं लगभग रेडी हो चुके हैं, अब बेलने के लिए ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी। तो ये सारे बन चुके हैं। हमको यहाँ गोलगप्पे की तरह हमको यहाँ लोइयां बनानी है और बेल के पापड़ी जो है बिल्कुल छोटे छोटे गोलगप्पे के साइज़ के ही बनेंगे। तो ये देखिए इतना ही छोटा छोटा हमको लोइयां बनानी है। बस हो चुका है ये, अब मैं इसको अच्छी तरह से बेलूँगी। तो आपको एक एक करके मैं बेल के बता रही हूँ और बेलने के बाद आप इसको एक कांटे की चम्मच की सहायता से छेद कर दीजिएगा ताकि ये तलते टाइम इसमें हवा ना अंदर जाए। तो ये देखिए मैं आपको बेल के बता रही हूँ। ये देखिए छोटा छोटा करके मैं बेल दे रही हूँ। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन खाने की इच्छा हो मन में तो कुछ भी चलता है। तो ये देखिए मैं छोटा छोटा करके मैं एक बैच इस तरह से झटाझट मैं इसको बेल के मैं तैयार कर ले रही हूँ और साइड में रखती जा रही हूँ। और एक कांटे चम्मच की सहायता से मैं एक साथ चार ऐसे रखकर उसके ऊपर भी मैं छेद कर सकती हूँ आगे से और पीछे से, या तो मैं एक एक सिंगल करके भी कर सकती हूँ। जो आपको आसानी लगे आप उसी तरह से छेद कीजिए, लेकिन छेद करना ज़रूरी है, नहीं तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे पूड़ी की तरह। इसलिए हमको पूड़ी नहीं बनानी है, ये हमेशा याद रखिए, इसको हमें पापड़ी बनानी है, इसलिए इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। इसीलिए हमको ये कांटे चम्मच की सहायता से इस तरह से छेद करती जानी है। तो ये बन चुका है। तो इस तरह से मैं सारे बैच रेडी कर लूँगी बेल कर। हाथ भी दुख जाते हैं एक एक करके बेलते बेलते, इसलिए आसानी होगी एक बड़ा रोटी के शेप की बेल शेप के रोटी का शेप देके बेले और उसको कटर की सहायता से काट ले तो एक साथ चार पांच ऐसे ही पापड़ी निकल जाएंगी। तो देखिए ये बन चुका है। तो इस तरह से मैं सारे रेडी कर रही हूँ। आप चाहे तो एक बार में बहुत सारे पापड़ी बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं एक एयरटाइट कंटेनर में, या तो एक प्लास्टिक में उसको अच्छी तरह से पतले प्लास्टिक में आप उसको डालकर बांध के रख सकते हैं एयरटाइट कर बहुत दिन तक रहती है। और ये देखिए मेरे सारे जो पापड़ी हैं बन चुके हैं। अब मैं इसको रेडी कर चुकी हूँ तलने के लिए। चलिए देख लेते हैं। तलने के लिए मैंने पहले से ही एक कढ़ाई मैंने गैस ओवन पे चला के रखी है और उसमें तेल भी डाल दिया है गर्म होने के लिए। तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। मैं बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं दिखा रही हूँ। और ये प्रेशर कुकर में जो आलू है वो तल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ आलू भी डालने हैं। तो मेरे आलू बॉयल हो चुके हैं, मैं आलू निकाल कर पीसेस करके काट के रख दूँगी। और ये मीनवाइल मैं यहाँ पर जो है पापड़ी जो है वो मैं छोड़ रही हूँ एक एक करके तेल में। तो पहले हाई फ्लेम करके हमको तेल अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, फिर सावधानी से एक एक पापड़ी आपको छोड़ते जाना है सावधानी से, ताकि तेल ना छिटके आपके हाथ में। और ये आप अगर एक के साथ दो ऐसे लग लग के भी अगर आप डाल रहे हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये अपने आप छूट जाएगी। बस करछी से आप हिलाते रहिए इस तरह से, तो ये अपने आप जब सीखते जाएगा अपने आप एक दूसरे से ऐसे ही ये धीरे धीरे खुल जाएगा। तो देखिए ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी इसको कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से सारे जो पापड़ी है हमको इस तरह से मीडियम से लो हीट में पकाना है ताकि अच्छी तरह से अंदर से सिक जाए। ज़्यादा हीट से पकाएंगे तो ये बिल्कुल लाल तो हो जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। तो नमकीन, कोई भी नमकीन या फुचका या पापड़ी ये सब बनाना है, फुचका नहीं सॉरी पापड़ी बनाना है, तो इस तरह से आपको मीडियम से लो फ्लेम में पकाना है ताकि ये जो हीट है एकदम अंदर तक जाए और ये अच्छी तरह से सीके और बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बने। तो ये देखिए मैं फिर भी मेहनत किए जा रही हूँ कि उलट पलट करके, इतना करना ही नहीं है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और इसको पकने देने के लिए टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना है आपको।
तभी जाके इसका अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से सारे जो हैं पापड़ी ये मैं तल लूँगी इस तरह से, और ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। आप इसको टिश्यू पेपर में भी निकाल सकते हैं ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो निकल जाए, एब्जॉर्ब कर लें, या तो आप ऐसे ही कढ़ाई में ही इसको अच्छी तरह से तेल निकाल कर आप एक प्लेट में निकाल सकते हैं। ये देखिए सामने से कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको धीरे धीरे उठा लूँगी। ये देखिए पक चुका है बिल्कुल। फिर से मैं एक बार पलट पलट के कर रही हूँ। बस इसके बाद ये पक जाएगी और मैं इसको उठा लूँगी। तो बिल्कुल पक चुकी है। बस हमको ज़्यादा लाल भी नहीं करना है, बस इतना ही कलर काफ़ी है। अब मैं इसको धीरे धीरे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। ठंडा होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्रिस्पी हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से बने हैं, आपको दिखाऊँगी कि कितने क्रिस्पी ये बने हैं। तो इस तरह से मैं सारे पापड़ी जो है निकाल कर एक प्लेट में रख दे रही हूँ। और मैं दूसरा बैच रेडी कर चुकी हूँ तेल में छोड़ने के लिए। तो मैं एक साथ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही पापड़ी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं सिर्फ एक नहीं और भी खाने वाले लोग हैं इसीलिए। तो ये देखिए ये पापड़ी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही करारी बनी है। ये थाली में जो है प्लेट में मैंने निकाला है, आवाज़ आ रही है, तो ये मैं साइड में रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद दही का प्रिपरेशन कर लूँगी। यहाँ दही जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि दही अगर आप नहीं देते हैं पापड़ी चाट में तो पापड़ी चाट का कोई मज़ा ही नहीं है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है ना वो है कि चटपटा, मतलब खट्टा मीठा आपका चटनी और उसके साथ दही। तो इसीलिए दही को जो है अच्छी तरह से मैं पेट लूँगी। तो मैंने एक कटोरा ऐसा दही ले लिया है, खट्टा दही, और उसमें मैं थोड़ा सा चीनी मिला रही, 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक, मतलब काला नमक, और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ा है तो मुझे इतना गाढ़ा दही नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ये पतला चाहिए ताकि ये जो है पापड़ी में देने से चारों तरफ आसानी से फैल जाए, ना कि एक ही जगह ठहर जाए। तो इसीलिए मुझे ये जो दही है थोड़ा सा पतला कंसिस्टेंसी ही इसका पसंद है। तो देखिए अभी भी दही जो है गाढ़ा है बहुत ही। तो मैं फिर से थोड़ा सा पानी दे दूँगी, और पानी देने के बाद मैं फिर से इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि ये बहुत आसानी से इसका जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ा सा पतला हो जाए। तो ये देखिए ये मैं फिर से इसको अच्छी तरह से फेंट रही हूँ चम्मच की सहायता से। बस थोड़ा सा और पानी चाहिए, क्योंकि जो दही है ये मैं थोड़ा सा पतला बनाना ही इसमें पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है पापड़ी चाट में। तो आप ये आपकी पसंद है कि आप गाढ़ा दही चाहेंगे या पतला, ये आपके ऊपर है। तो ये मेरा दही बन चुका है, इसको मैं साइड में रख दूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसको मैं भी साइड में रख दूँगी। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है चटनी की। तो चटनी बनाने के लिए चटनी 2 तरह की है, एक है हरा चटनी और एक है लाल चटनी यानी मीठा चटनी। मीनवाइल मैं यहाँ पे जो है सूखा जो मसाला है जीरा और एक सूखा मिर्च, इसको मैं रोस्ट कर लूँगी, अच्छी तरह से भून लूँगी पैन में, और ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए चटकने लगे तो फिर इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और फिर इसको मैं बेलन चक्की में पीस लूँगी, एकदम फाइन पीस लूँगी, ताकि ये जो मसाला है यही पकोड़े में अच्छा और एकदम शानदार एक टेस्ट ला देती है। इसका खुशबू जो है बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मसाला जो है भुन चुका है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी से आ रही है। अब मैं ये जो मसाला है ये मेरा भुन चुका है, तो इसको मैं एक कटोरे में निकाल दूँगी, इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और फिर ठंडा होने के बाद मैं इसको बेलन चक्की में इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये बेलन चक्की में बहुत अच्छी तरह से पीसता है। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना थोड़ा सा मसाला है इसीलिए बेहतर होगा कि आप बेलन चक्की में ही इसको पीस लें अच्छी तरह से। ये देखिए ये मसाला जो है इसको आपको सावधानी से करना है ताकि ये चले ना। अब मैं हरी चटनी के लिए यहाँ धनिया पत्ता ले ली हूँ 1 बंच, और उसके बाद मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्चें दूँगी, ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है। और 1 इंच मैं अदरक का टुकड़ा ले लूँगी, और इसमें 1 नींबू भी आप दे सकते हैं, और अगर नींबू नहीं पसंद तो आप सिरका यानी विनेगर भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं अभी
साइड में रख देती हूँ। इसको मुझे मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और मेरा जो हरा चटनी है वो तैयार हो जाएगा। और ये देखिए